हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फूड एंड ब्लॉग। आज हम आपको चना चिली का रेसिपी बता रहे हैं, तो चलिए बताते हैं कि चना चिली बनेगा कैसे। चिली चना बनाने के लिए सबसे पहले ये काबली चना को, ये जो छोले चना है, इसको हमने रात भर पानी में भींगो के रखा है। ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको कुकर में 3 विसल आने तक इसको पकाएंगे। हमने एक कुकर चढ़ाया है, उसमें 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इस चना को इस कुकर में डाल देते हैं और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद इसको 3 विसल आने तक पकाएंगे। 3 विसल आएगा, फिर इसको हम निकाल देंगे। इसको चेक कर लेते हैं 1/2 विसल आया है कि नहीं। कुकर में 3 विसल आ गया है। अब फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। चना चिली के लिए बनाने के लिए एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई गर्म होने से फिर हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ऑयल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और साबुत लाल मिर्च। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर हम इसमें और चीज़ डालेंगे। प्याज हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, अदरक जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसमें हम पिसा हुआ लहसुन और पिसी हुई अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हरी मिर्च लंबा 2 तो मैंने डाला है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ही स्पाइसी बनाने के लिए डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये चना मेरा उबल गया है और इसको बहुत गलाना नहीं है। आप देखिए, ये चना बहुत भली भांति उबला है, दबाने से अच्छे से दब जा रहा है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे, इसको क्रंची बना देंगे। इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे 2 चम्मच। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट भी मिला सकते हैं। अगर इन केस गेस्ट आ गए हैं, आपको चना चिली बनाना है और आपके पास अरारोट भी नहीं है, तो आप मैदा मिला सकते हैं। और इस चना में उसको अच्छे से मिलाना है। ये अच्छे से मिलाने से ही चना थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। आप देखिए, हर चना में भली भांति लग गया है ये कॉर्नफ्लोर। बस अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे लगा के, ताकि ये कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से मिल जाए चना में। इसको रख देंगे अलग। देखिए, ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें, मैं घर में बना हुआ मसाला ही यूज़ करती हूँ,
कभी मैं आपके साथ मसाला का वीडियो भी शेयर करूंगी। थोड़ा सा जो कुटा मसाला है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे, अब डालेंगे नमक। नमक छोला में भी मैंने उबलने के समय डाला था, इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डालें। और हल्दी थोड़ी सी, नहीं तो ये ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से डालें नमक। ये एकदम रेडी हो गया है। अब हम आंच को तेज करके इसमें छोला डालेंगे, छोला को मिलाएंगे। सफेद सफेद छोले लग रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स में मिक्स होके। इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। तेज आंच पे हम इसको क्रिस्प होने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत हल्का स्लाइस हम इसमें मिलाएंगे कलर के लिए। ये छोले बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के डिनर में बना सकते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ी सी विनेगर। इसको थोड़ा सा होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। आप देखते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा, और ये बनेगा भी बहुत क्रिस्प। इसको आप ज़रूर से ट्राई करिए बनाने का। कोई भी रेसिपी बनती है बहुत जल्दी, अगर आप बहुत अच्छे से बनाएं, खुश होके बनाएं, तो रेसिपी में का जो स्वाद होता है वो दोगुना हो जाता है। बुझे मन से बनाने से रेसिपी अच्छी नहीं बनती है, इसलिए रेसिपी को अच्छे से बनाएं। अब आप देखिए ये चना एकदम से क्रिस्प हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा टमाटर सॉस, और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स को पानी में घोल के। ये रेडी हो गया चना चिली। आप इसको ज़रूर से बनाएं और इस रेसिपी का आनंद लें, और हमें बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।